अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये है हमारे, ये वो लड़की है जिसको मैंने टिफी के लिए पसंद किया था। मैं आपको इन दोनों की शक्लें दिखाती हूँ, बिल्कुल एक जैसी हैं। टॉफी और टिफी। ये हमारी मिस रोज, ये नंगी पुंगी हो गई है शेव करवा के, और ये हमारा टिफी। बेचारे टिफी की शादी होने से पहले ही रिश्ता टूट गया है ना टिफी, क्योंकि रोज पे हो चुकी है बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मिस रोजी को नहीं चढ़ा हुआ गुस्सा? रिश्ता कराने आए हैं और गुस्सा कर रहे हैं दूसरे से। और क्या, उन्होंने पसंद नहीं किया दूसरे को। टिफी का और रोज का रिश्ता हो रहा था, रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। रिजेक्ट कर दिया टिफी ने। टिफी को रोज नहीं पसंद आई। वो लड़की कितनी नफरत कर रही है, रिजेक्ट किया रिश्ता दोनों को एक दूसरे। ये दो एक दूसरे को पसंद नहीं किया, वो देख रहे हैं घर को। वो देख रहा घर पर तो ठीक है, पर लड़की ने इनकार क्यों कर दी है? देखो देखो हर चीज को देख रहे हैं। हमारे लड़के को लड़की नहीं पसंद आई वो कहता है इसके कपड़े नहीं है इसलिए मुझे पसंद नहीं आई। रिजेक्ट कर दी है। सिर बूट बदलो लड़की शूज पहने फिरती है। लड़की ने ना सिर्फ शूज पहने हुए हैं। चलो उठो तो सही, जरा उठ के तो दिखा दे थोड़ा सा, चल फिर के तो दिखाएं आपको चलना आता है। ये देखें जी, लड़की ने सिर्फ शूज पहने और लड़की गुस्सा कितना कर रही है। ये शूज भी नहीं पहनने थे, इसकी क्या जरूरत थी, इतनी मेहनत कर की है तुमने। नहीं पसंद आई टिफी? मामा नहीं पसंद आई? कर्टन्स वगैरह देख रहे, घर अच्छा लग रहा है, रोज अच्छी नहीं लग रही, रोज से नफरत कर रहा है। नहीं पसंद आई जी उसे, उसने फुल रिजेक्ट कर दिए। जरा कह इसके साथ ना, इसके साथ बराती भी आए थे बेचारे, वो भी मायूस हो के जाएगी। अच्छा बरात का खाना भी आते साथ खा लिया था। कमबख्त खाना क्यों खाया इनके घर का, फिर खाना भी तो ना खाते, खाना पहले खा लिया है। नहीं बस उन्हें खाना आते साथ खा लिया है। वो बराती किधर है? लड़की लोगों की तरफ से गेस्ट आए हैं, पापा हैं, लड़की के पापा। दूल्हे की बहन आ गई। की बहन आ गई। दूल्हे की बहन। दूल्हे की बहन तो शेर है। दूल्हा का भाई निकल गया। वो दूल्हे की। उसको लेकर आए। दूल्हे की बहन शर्मा रही है पापा से। देखो। दूल्हे की बहन है। शर्मा के नीचे चली गई दूल्हे की बहन। ये भी आ गई, दूल्हे की बहन आ गई है। ये तो बहुत प्यारी है, मासूम है। लड़की तो बहुत ही डाडी है। ये देखो जी, दुल्हन का भाई देखो, वो भी नंगा। दुल्हन का भाई भी ऐसा चलो जी अब हम चलते हैं। बहुत रात का मेरा वापस। वो छोटा किधर है? छोटी वो छोटी कहाँ गई? वो अभी कहाँ खाना ही ढूंढी जा रही है। वो पूरे घर में उसको खाने की पड़ी हुई है। छोटी को ले गया मैंने खुशी को, उसने तो निकाह पढ़वाना है। हाय हाय ये बात है कि खाने की पड़ी, उसको सिर्फ खाने की पड़ी है। वो इतना खाना खाती है कि उसका पेट सूखा हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं, वो वाली लड़की है। ओ पापा पे गुस्सा कर रहा है, गंदी फैब पसंद नहीं आया पापा भी। पापा की आंखों में गुस्सा था देखो माशाल्लाह। ये देखे जी, ये ना माशाल्लाह सनी बिल्कुल मफिन जैसा ही हेल्दी और बड़ा बड़ा, उतने ही बड़े साइज का है। सनी मफिन का बेटा है ना, मफिन का बेटा है। वो बाहर जा रहा है बाहर। ये देखिए जी, इसे देख के आपको लगेगा कि ये मफिन बैठा हुआ है। देखिए माशाल्लाह,
कैमरे से डर गया। और मेहमानों को उसी की भी दावत हो रही है। जब से आई है इसको यहाँ पे सिर्फ खाना ढूंढ रही है और खाना खाए जा रही है। और ये देखें आपको निशानी दिखाते हैं, ये खाने के निशान ना अपने मुंह पर भी खाना लगाया हुआ है। सिर्फ शादी में खाना खाने आई हो, अब वो शादी ही नहीं हो रही है। जो खाना खाया वो पेट से निकाल के वापस करो लड़की वालों को। क्या ये लड़की के पास जाओ जरा, चेक तो करो लड़की को, जरा लड़की तो देखा बताओ कैसी है। पास जाओ ना थोड़ा सा लड़की के, और लड़की के पास जाओ। चलो चलते हैं भाई। चलो जी, मेहमान खुसूसी को भी ना पसंद नहीं आया ये रिश्ता, उसको लड़की बड़ी डांटी लग रही है। ये इसको बाद में जलील करेगी। चलो इसे बेहतर है चलते हैं। चल आए चले, चलो अल्लाह हाफिज। ओहो लड़के को तो भूल ही गए उठाना। चलो भाई चलो चले। ओहो हाँ ये भी उठाओ, लड़के की बहन भी। चलो चले। और अभी है जी ये नेक्स्ट डे और सुबह का ये टाइम है, और यहाँ पे साशा और बिनी सामने लेटे हुए हैं और माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और सुबह जी हमारी काइली मैडम जो है ना, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ही मोटर फिट हो जाती है और एक एक बच्चे को उठाती है ये, और सबको सारी होती है कि चलो मेरे साथ खेलो। सबसे जल्दी उठती है काइली और सबको कह रही होती है कि बस अब जल्दी से उठ जाओ और अब हम ना खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और अब मफिन भी इनके साथ माशाल्लाह से आके बैठ गया है, और मफिन का ये काम होता है सुबह उठते मुझे कहना स्टार्ट हो जाता है कि मम्मा मम्मा कि मम्मा बस अब मुझे आप खाना दे दो। सुबह शुरू होता है और बस ये मुसलसल लगा ही रहता है कि मम्मा मुझे खाना दे दो खाना दे दो। ये देखें जी ये सारे ना अब इनको एसी चला के दिए, और कमरे में भी चारपाई भी चाहिए, और ये सारे पूरा का पूरा इज्जड़ हमारे आने से पहले ही यहाँ लेट गए। सब के सब यहाँ पे लेटे हैं, माशाल्लाह ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और वह नूर बानो से ऊपर नहीं आया जाता, और वो देख दिया कि मुझे भी ऊपर चढ़ा दे। और मिस नूर हर वक्त से क्यों रो रही हो जीजी, क्यों रो रही हो मफू, आप क्यों रो रही हो। मफिन ने ये देखे जी, काइली ने मफिन को क्या सिखा दी है, अब इतना बड़ा है और ऊपर चढ़ जाता है। आजा मेरा बेटा। ये देखे जी ये देखें जी माशाल्लाह वेरी गुड, खुद ही ऊपर चढ़ा है माशाल्लाह से। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं मोबाइल ऊपर करके दिखाता हूँ। ये देखें मफिन साहब ऊपर चढ़े हैं। काइली ने ना इसको भी ऊपर चढ़ना सिखा दी है। तुमने काइली से सीखा ऊपर चढ़ना मेरे ऊपर, तुम्हें पता मुझे कितनी तकलीफ होती है, बेवकूफ़ ना हो तो। वो देखें वो पर्स पे सर रख के सो रहे, कौन है? बिल्लू। ये बिल्लू है जी, और ये नवाब साहब मेरे ऊपर ही चढ़े भी। अब ये देखो अब जीवा को भी सिखा रहा है बिल्लू किस तरह ऊपर चढ़ना है। ये देखें जी काइली ने इसको ना क्या काम सिखा दिए, ये तो मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। मैं इस कमरे में भी ना हूँ अब मफिन, तुमने मेरी ज़िंदगी ना अजाब बना दी है। बस करो यार मुझे तकलीफ होती है, काइली तो छोटी सी है तुम इतने बड़े हो, इतनी पेन होती है ना मफिन पूरी बॉडी में, ना काइली आती ना तुम ये काम सीखते। अब देखिए जी मैं से खुद उकसा रहा हूँ ताकि ना काइली इसके साथ आके खेले। अभी देखिएगा उकसा रहा हूँ ताकि काइली आए और हमला करे। अभी काइली आएगी देखना भाग के। ये देखे काइली ना, अब देखना काइली इसका कितना जीना आराम करती है। ओ तेरी तू कहाँ से आ गई हो काइली। ये देखे फिर उकसाता हूँ ताकि ना काइली हमला करे। ये फिर उकसाता हूँ भाई, तो भाई प्यार लेना भी नहीं है।
चलें जी ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं इसको इसलिए उछाल रहा हूँ ताकि ना कायली फैसिनेट हो और कायली इस पर हमला करे, और ये देखे कायली इस पर हमला भी कर देती है। ओ कायली ना उसके साशा के हाथ चढ़ गई थी, साशा के करीब भी नहीं आती ना, उस चुड़ैल के, इस चुड़ैल के भी करीब नहीं आती, इसके भी ये दोनों ना बहुत ज़्यादा मारती हैं कायली को, दहशत है इनकी और इस मिन्नो की भी दहशत है। ये देखें जी वो खेलने में मसरूफ़ है। चलें जी ठीक है, आप इजाज़त दें, जैसा भी ब्लॉग बना यकीनन आपको मज़ा आया होगा और ये कायली फुल इंजॉय कर रही है, तो ये भी आप सबको अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं, ये भी अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं, ये भी अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं, और स्कूबी स्कूबी की तरफ से भी ना आप सबको अल्लाह हाफिज़। अभी देखना स्कूबी बोलेगा, स्कूबी स्कूबी अल्लाह हाफिज़ बोलो तो स्कूबी, वो नहीं बोलता जी, कहता मैंने नहीं बोलना। तो जी 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 अल्लाह हाफिज़ बोलो जी जी। चलें जी जी जी, और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।